अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 26 अप्रैल 1986 रात के 1:23 पे सोवियत यूनियन का एक चार्नोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी ऊपर की लिड हिलने को लगती है और वहाँ के मौजूद वर्कर्स को ये रियलाइज़ हो जाता है कि अब ये जो रिएक्टर के अंदर रिएक्शन हो रहा है ये अब कम्प्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो इस रिएक्टर को जल्दी से स्टॉप करने की सोचते हैं। तो जैसे ही एक बंदा उसको स्टॉप करने के लिए जाता है तो वो कंट्रोल रॉड जो होती हैं, जो उस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए यूज़ होती हैं, वो उस रिएक्शन के अंदर चली जाती हैं और उसके जाने के इमीडिएटली फौरन बाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है। और इस बड़े एक्सप्लोजर के बाद पूरा रिएक्टर आग की लपेट में आ जाता है और जो मौजूद न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वो अब आग के ज़रिए एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाती है। और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन मौजूद होती है कि ये हिरोशिमा में फटने वाले 400 एटॉमिक बॉम्ब के बराबर होती है। तो इस एपिसोड नो विथ हुमैत में हम यही जानेंगे कि क्या क्या रीजन है इसके पीछे और क्या इस दुनिया पे इस चीज़ का असर आया। तो शुरू करते हैं। In a nuclear accident near the Soviet Union at the Donets Reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Explosions powerful enough to blow. ये बात है वर्ल्ड वॉर टू के बाद कि जब सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, इसका नाम रखा था चार्नोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अंदर 4 सेक्टर्स थे और जो इतने पावरफुल थे कि पूरे यूक्रेन कंट्री को 10% इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे और ये सोवियत यूनियन का मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर पावर प्लांट था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि इसके अंदर कितनी ताकत होगी। अब बात कर लेते हैं डिजास्टर के बारे में कि डिजास्टर हुआ कैसे था। ये डिजास्टर हुआ था रिएक्टर नंबर 4 पे जब एक रूटीन सेफ्टी टेस्ट किया जा रहा था। और इस डिजास्टर को समझने के लिए आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि इस रिएक्टर के अंदर रिएक्शन होता किस तरह से। तो पहले आप लोग वो समझ। आमतौर पर हमें इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए एक आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो एक पहिए को घुमाना होता है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी क्रिएट होती है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी के केस में भी यही होता है कि लेकिन उसके अंदर हमें चाहिए होती है स्टीम एनर्जी। अब स्टीम एनर्जी इस तरह से क्रिएट होती है कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर पानी होता है, उसको न्यूक्लियर रिएक्शन के जरिए से हीट अप किया जाता है। हीट अप करने के बाद उसके अंदर जो हीट निकलती है उससे वो टर्बाइन जो होता है, इसको हम पहिया कहते हैं, वो घूमता है और वो फिर एक न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट करता है। अब इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए बनी है कंट्रोल रॉड्स। कंट्रोल रॉड्स बनी है बोरॉन कार्बाइड से। अब ये इस तरह का काम करती हैं कि ये पूरी बोरॉन कार्बाइड की बनी हुई होती है। अब जब ये न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जाती हैं तो उसके अंदर जो भी एटम होते हैं और जो बाउंस कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ, ये उनको एब्जॉर्व कर लेती है और उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्लांट का जो रिएक्शन हो रहा होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब इस मशीन के केस में ये था कि इसके अंदर कंटिन्यूसली पावर पास थ्रू होती रहे ताकि वो पावर प्लांट चलता रहे। लेकिन मसला यहाँ पर आ रहा था कि अगर कभी पावर कट हो जाती है तो ये मशीन बंद हो जाएगी, जो कि ये पॉसिबल नहीं था कि ये बंद हो। तो अब इसके लिए इन्होंने हल निकाला कि इसके बैक एंड पे जनरेटर्स लगा देते हैं कि ये जब भी पावर कट हो तो वो उस चीज़ को हैंडल कर सके। लेकिन मसला ये था कि वो जनरेटर्स भी 1 या 2 मिनट लेते हैं स्टार्ट होने के अंदर। तो उसके अंदर जो वही जो मिनट एक जो मिनट का टाइम पीरियड है उसके अंदर जब मशीन ऑफ होगी तो क्या करेंगे। तो जिन्होंने उस मशीन को बनाया था, पावर प्लांट को बनाया था, उन लोगों ने ये हल निकाला कि 1-2 मिनट ज़्यादा बड़े टाइम नहीं है। उन्होंने ये कहा कि 1-2 मिनट में तो इसके अंदर जो पहले से स्टीम स्टोर हुई भी होगी वही काफ़ी है इसको 1-2 मिनट चलाने के लिए, वही इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देगी 1-2 मिनट तक, और फिर 1-2 मिनट बाद हमें जनरेटर चला लेंगे। तो इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए इन्होंने एक पूरा प्रिपरेशन की। 11:10 पर 25 अप्रैल 1986 को इसकी प्रिपरेशन शुरू हुई और इसका टेस्ट था। तो फिर जब इन्होंने टेस्ट को शुरू करा तो इनका एम था 700 मेगावाट्स पर इस चीज़ को टेस्ट करना है कि ये 1-2 मिनट तक इसके एनर्जी, इसके अंदर जो ऑलरेडी स्टीम है वो इस पावर प्लांट को चला सकती है। तो इनका था टारगेट 700 मेगावाट पर चेक करने का, लेकिन उसके अंदर अभी कंट्रोल वॉल्ट्स बहुत ज़्यादा थी तो उसका मेगावाट्स चले गया 30 या फिर इससे ज़्यादा ऊपर नीचे, जो कि बहुत कम था। इनको लाना था 700 पे, तो इन्होंने उसमें से कुछ कंट्रोल वॉट्स बाहर निकाली। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी कंट्रोल वॉट्स बाहर निकाल दी। एक लिमिट होती है कि कम से कम भी आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 15 कंट्रोल रॉड्स होने चाहिए किसी भी हाल में, लेकिन इन्होंने सिर्फ 8 छोड़ी और 202 या 204 कंट्रोल रॉड्स उसके अंदर से निकाल दी, जिसकी वजह से उसके अंदर का रिएक्शन और तेज़ होने लगा और मेगावाट
700 के बजाय 33,000 पहुंच गए। अब जब मेगावाट 32,000 पर चले गए थे और पूरा प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और उसके ऊपर की जो न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर की जो लिड थी वो हिलने को आ गई थी और पूरी बिल्डिंग के अंदर शॉक वेव्स फील हो रही थी। अब सिर्फ यही हल था कि इसको प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाए और कंट्रोल लॉर्स जो प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए बनाई है उनको वापस जा दिया जाए। तो जल्दी से एक वर्कर ने उसको स्टॉप किया और कंट्रोल लॉर्स को दोबारा इमिजिएटली उसके अंदर डाला। अब कंट्रोल लॉर्स के डिज़ाइन में एक फॉल्ट ये था कि उसके बॉटम पर ग्रेफाइट लगा हुआ था और बाकी सारा डिज़ाइन था जो कि बोरॉन का था। वो बोरॉन होता है लाजमी स्लो डाउन करने के लिए और ग्रेफाइट होता है उसको स्पीड अप करने के लिए। अब हर रॉड के एंड बॉटम पर टिप पर ग्रेफाइट लगा हुआ था जो कि स्पीड अप कर देता है सारे प्रोसेस को। अब जब जैसे ही उन्होंने 208 या 202 रॉड एक साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर डाली और उस सब के टिप पर ग्रेफाइट लगा हुआ था तो इमिजिएटली कुछ सेकंड्स के अंदर ही एक बहुत बड़ा डिजास्टर देखने को मिला। इस बहुत बड़े डिजास्टर के बाद एक और डिजास्टर होता है जिसकी वजह ग्रेफाइट बताई जाती है कि ग्रेफाइट भी अब आग में जल चुका था, इस वजह से एक और डिजास्टर हुआ था। इस चार्नोबल न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर 100 प्लस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे और 192 टॉन्स यूरेनियम फ्यूल था और ये सब पूरे एटमॉस्फेयर में फैल चुका था। ब्लास्ट होने के कुछ देर बाद ये अलार्म बजना शुरू हो गया था और फिर सारे फायर फाइटर्स आ चुके थे आग बुझाने के लिए, लेकिन ये आग ग्रेफाइट की आग थी, ये इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी। इसके लिए 10 दिन लगे उन लोगों को आग बुझाने के लिए, जिसके लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद ली और ऑपरेशन किए और हेलीकॉप्टर्स को कहा कि आप ऊपर से क्ले सैंड और लीड और बोरन जैसे एलिमेंट फेंकें ताकि ये रेडियो एक्टिव के स्प्रेड को कम कर सके। फाइनली 10 दिन की मेहनत के बाद ये आग बुझ तो चुकी थी लेकिन इसके बॉटम पर अभी भी बहुत ज़्यादा हीट थी जहाँ पे वो न्यूक्लियर प्लांट के एटम्स थे और उसी के बिल्कुल ठीक नीचे एक बहुत बड़ा सा टैंक था रेडियो एक्टिव वाटर का जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ था। अब सभी ने ये बात पढ़ी है कि लिक्विड कम जगह एक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू गैस और स्टीम वगैरह। सो अब वो जो लिक्विड था रेडियो एक्टिव वाटर था नीचे वो कन्वर्ट हो रहा था हीट की वजह से स्टीम में। अब स्टीम और गैस ज़्यादा स्पेस एक्यूपाई करते हैं और वहाँ पे इतना स्पेस नहीं था तो उसकी वजह से और बड़ा एक्सपोजर हो सकता था, इन दोनों से बड़ा एक्सपोजर। उसके लिए सिर्फ एक ही हल था कि उस वाटर को जाकर ड्रेन कर दिया जाए, उस रेडियो एक्टिव वाटर को जाकर ड्रेन कर दिया जाए। लेकिन अब हल ये था कि उस वाटर के अंदर जाना था और वो सिर्फ कोई मामूली वाटर नहीं थी, वो थी रेडियो एक्टिव वाटर। इसके लिए बहुत मुश्किल से 3 लोग राजी हुए जिनको जाना था और वो 3 लोग इसी सारी स्टोरी के हीरो थे। वो 3 लोग नॉर्मल डाइविंग सूट पहन के गए और वो उनके लिए ये ख़तरा था कि या तो उस वाटर से आने के बाद उनकी मौत 2 साल बाद हो जाए या कुछ महीनों बाद भी हो जाए, लेकिन मौत थी उनकी, ये बहुत बड़ा रिस्क था उनकी जान के लिए। लेकिन उन लोगों ने अपनी सेक्रीफाइस किया और उस रेडियो एक्टिव वाटर के अंदर गए और उसके वॉल्स जोड़ के उस वाटर को ड्रेन कर कर वापस आ गए और एक मैजिकली वो लोग सरवाइव कर गए जिनमें से एक की डेथ 2005 में हो गई थी और 2 लोग अब तक जिंदा हैं। इस न्यूक्लियर डिजास्टर के इफेक्ट्स लोगों पर यह आए थे कि जो फायर फाइटर उस वक्त वहाँ पर आए थे उनकी या तो कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद उनकी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ये सब रेडिएशन सिकनेस के सिम्टम्स से। जो रेडिएशन डस्ट बन के पहाड़ों पर गिरी और वो डस्ट और वो जो घास थी वो काउस ने खाई और जो काउस के मिल बच्चों ने पिए, उन सब के अंदर हज़ारों बच्चों में थायराइड कैंसर पाया गया। और अगर इकोनॉमिक्स की बात करी जाए तो पूरी इस डिजास्टर की सोवियत यूनियन को कॉस्ट पड़ी $235 बिलियन जिसके अंदर क्लीन अप, सर्वाइवल, लोगों की मदद करना, हर चीज़ को मिला के इसकी कॉस्ट बनी $235 बिलियन जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। जो एटॉमिक बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था वो जगहें अब लिविंग प्लेस बन चुकी हैं, वहाँ पे कई लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ इस जगह को अब परमानेंटली क्लोज कर दिया, यहाँ पे सिर्फ अब एनिमल्स होते हैं और यहाँ पे 30 किलोमीटर तक एक बाउंड्री बना दी है कि कोई यहाँ पर आए भी नहीं क्योंकि ये अब बिल्कुल डेंजर जोन में जगह जा चुकी है। और फिर उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट को कवर करने के लिए एक सेफ स्ट्रक्चर बनाया है ताकि उसके अंदर से जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही हैं उनको परमानेंटली रोका जा सके और जगह फैलने की वजह से। तो अभी फिलहाल उसके ऊपर वो लगाया चुका है और इस वक्त उन्होंने लॉन्ग टर्म सोच के साथ उसको लगाया कि अब आने वाले 100 साल तक वो स्ट्रक्चर जो सेफ स्ट्रक्चर है वो ख़राब नहीं होगा और उसकी कॉस्ट $3 बिलियन उनको पड़ी है। तो ये थी कहानी दुनिया के सबसे वर्स्ट डिजास्टर की। आई होप तुम लोगों को समझ आई हो, अगर अच्छी लगी हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए
सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए Nuclear accident near the Soviet Union at the Nobles Reactor 4, the scene of the total meltdown. That explosion at a nuclear plant in the Soviet Union. Nuclear reactor in Ukraine's Chernobyl power plant. Explosions powerful enough to...